यार एक मिनट पीछे जाओ, चुप सारे, मेरी बात सुनो सारे। मैं भी अपनी ड्यूटी पे आया हूँ ना। अब एक चीज है, पहले सारा इशू बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मुझसे जाती है मुझे एक साल हो गया इसमें साउथ बने हुए, किसी एक देखा नहीं स्कूल में किसी में कोई तशद्दुद हुआ हो या किसी तरह का किसी स्टूडेंट से कोई जाति पुलिस से हुई हो। एक साल पूरे में नहीं हुआ, पर आज इन्होंने अपना पूरा कोई बात नहीं, ठीक है। अब दूसरा इशू से उम्मीद है जीते एस पी साउथ मेरी तो फीती नहीं उतरी ना इसे, है ना। लेकिन सुनो कितने बंदे खजल हो रहे हैं, जब तक उस एस पी पर एक्शन नहीं होगा तब तक हम ये नहीं करेंगे। अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो मंडे से बिगड़ जाएंगे यूनिवर्सिटी के, उसके जिम्मेवार पार्टी होगी जब वो एस पी साउथ होगा। साथियों बात सिर्फ सिक्योरिटी की नहीं है, हमारा कितना मुलाजिम है जहाँ पर, कल उनके ऊपर भी ऐसा हो सकता है। कितना स्टूडेंट है जहाँ पर, उनके ऊपर भी ऐसा हो सकता है। कल सिस्टम यूनिवर्सिटी का खराब हो रहा है, ये होता रहेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या मसला है यहाँ पर इस वक्त, जो है यूनिवर्सिटी का गेट बंद रखा और क्या कारण है जिस कारण यूनिवर्सिटी का गेट आप बंद किया है? मायसेल्फ एनसीएसयू हर्षवर्धन सिंह एनसीएसयू स्पोक्स पर्सन। आज सुबह का एक इंसिडेंट है कि हमारे यहाँ का सिक्योरिटी वाले को एक एसपी साउथ संदीप चौधरी ने यहाँ से घसीट के बाहर निकाला, और हम इस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं और ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि सबके लिए लाभ बराबर है, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो केएस हो या फिर वो पीएन हो। और यही सिक्योरिटी है, यही यूनिवर्सिटी है, यहाँ से सब आईपीएस और केएस निकले हैं, और यही सिक्योरिटी है जिन्होंने हमको ये पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है हमको अंदर पढ़ने के लिए। और आज इन पे ही अगर कोई हाथ उठाता है या कुछ करता है तो स्टूडेंट यूनियन एनसीएसयू का मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं इनके लिए खड़ा रहूँगा और बाकी सब स्टूडेंट यूनियन भी इनके लिए खड़े रहेंगे। और हम तब तक इन लोगों का साथ देंगे जब तक एसपी साउथ यहाँ पे आके माफी नहीं मांग लेता और हमारे सिक्योरिटी वालों से माफी नहीं मांग लेता। क्या मादरा है जिस कारण, क्या मादरा है जिस कारण आज सिक्योरिटी जो आपके जितने भी सिक्योरिटी के आदमी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, गेट जो है वो आपने बंद कर रखा हुआ है, वो क्या कारण था जिस कारण ये सारा माहौल जो है वो यहाँ पर बना? हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी, आज तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ी शर्मनाक बात है कि एक एसपी जो है संदीप जी जो है
यूनिवर्सिटी रियल गेट जो है, रियल गेट पे आए, हमारा एक सिक्योरिटी गार्ड जो है ऑन ड्यूटी यूनिफॉर्म लगा के तैनात था वहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रिक्ट ऑर्डर हैं कि भाई गेट नहीं खोला जाएगा, उसकी टाइमिंग बनाई गई है, बाकायदा सिस्टम से बनाया गया है। और एक गुंडागर्दी करते हुए एक IAS या IPS जो भी है यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाते हैं, यही सिक्योरिटी गार्ड उनकी सुरक्षा करके भेजते हैं, और वो गुंडागर्दी करते हुए आए और एक बुजुर्ग हमारे जो है मतलब एक्समैन जो था उसको घसीटते हुए यूनिफॉर्म के समेत घसीटते हुए बाहर ले गए, जिप्सी में डाला और जबरदस्ती अपनी धांधली करते हुए गुंडागर्दी करते हुए थाने ले गए। ये कौन सा कानून है और कौन सा उनको रूल है कि जो उनको ये चीज सिखाता है ये कांस्टेबल के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाए, ऑन ड्यूटी और विद यूनिफॉर्म उसको घसीट के ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और मुझे शर्म आ रही है कि इतनी देर से हम लोग यहाँ अपना जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और उन हायर अथॉरिटीज के खिलाफ, लेकिन अभी तक हमारी यूनिवर्सिटी और हायर अथॉरिटीज की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर ऐसा ही हाल रहा, हम लोग 24 घंटे दिन रात मेहनत करके इस जम्मू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को बढ़ाते हैं, इसको चलाते हैं, अगर यही हाल जम्मू यूनिवर्सिटी का रहा, इसी तरीके से जो है धांधली और बदमाशी करके आते रहे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर करेगी कि भाई आप लोग गेट मत खोलिए और बाहर से लोग जो ऑफिसर आएंगे और हमें घसीटते हुए बाहर ले जाएंगे। अगर यही रहा, मैं नॉन गजेटेड की तरफ से और हमारे नॉन टीचिंग के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, हमें मजबूर होना पड़ेगा कि स्ट्रिक्ट एक्शन और टोटली यूनिवर्सिटी को जो है क्लोज करने के लिए, इसकी जिम्मेदार जो है वो हायर अथॉरिटी होंगे, वो ऑफिसरान होंगे और हमारी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन होगी। नमस्कार, मैं हूं संसार सिंह और हम हमेशा जम्मू परिवर्तन के माध्यम से लोगों के हकों की बात करते रहे हैं और आज भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह देख सकते हैं कि पीछे जम्मू यूनिवर्सिटी का गेट इस वक्त बंद करके सारे सिक्योरिटी के जो लोग हैं यहाँ पर, जम्मू यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के जितने भी लोग हैं वो गेट बंद करके बैठे हुए हैं। कारण ये है कि यहाँ पर हमारे जम्मू के SP साउथ संदीप चौधरी यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो है वो बदतमीजी की, जैसा कि इन लोगों का कहना है, और उसे वर्दी में यहाँ से घसीट कर बाहर ले गए, जबकि इन्होंने कहा कि हायर अथॉरिटी के ऑर्डर थे कि कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। इसके बावजूद जब एक गार्ड अपनी ड्यूटी निभा रहा था तो SP साउथ जो है हमारे संदीप चौधरी, उन्होंने उसको वर्दी में जो है कॉलर से पकड़कर घसीट कर यहाँ से वो जो है वो साथ ले गए, जिस कारण अभी ये सारा जो बवाल यहाँ पे बना हुआ और गेट यूनिवर्सिटी का ठीक 2 घंटे से बंद है और अभी तक ना तो हायर अथॉरिटी से कोई इनकी बात सुनने के लिए आया है और ना ही पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से कोई बड़ा ऑफिसर जो है वो इनसे बात करने गया है। जो रोष है वो आपके सामने दिख रहा है कि लोगों के अंदर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स के अंदर और यहाँ यूनिवर्सिटी के जितने भी एम्प्लॉय हैं सबके अंदर एक रोष है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये जो घटना हुई है, इस घटना के लिए अगर कोई बात करने के लिए नहीं आएगा और ये लोग यहाँ पर इसी तरीके से बैठे रहेंगे और आने वाले टाइम में अगर माफ़ी उस गार्ड से नहीं मांगी जाती तो ये जो आंदोलन है ये उग्र रूप जो है वो ले सकता है। SP जो है SP साउथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सिक्योरिटी गार्ड के साथ बात चल रही है, लग रहा है कि इनका मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा और मसला जो है वो आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया। जो लग रहा था माहौल ख़राब यूनिवर्सिटी के अंदर होने का वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, इस वक्त इनकी आपस में बातचीत हो चुकी है और कंप्रोमाइज़ हो गया। यहाँ पर बात जो है SP साउथ यहाँ पर खुद आए और उन्होंने आकर सिक्योरिटी गार्ड से बात की और उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और ड्यूटी के दौरान जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ और अब इस वक्त इनका सबका जो है वो आपस में कंप्रोमाइज़ हो चुका है।